बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग से हमारी धरती को बचाने के लिए पूरी दुनिया कुछ न कुछ कोशिश जरूर कर रही है, और ऐसी एक कोशिश इंडिया के तेलंगाना में की गई है, जहां पर रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट बनाया गया है, जो इंडिया का पानी में तैरता हुआ सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। और इसे NTPC की मदद से तैयार किया जा रहा है, जो रोजाना 37 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जिसे कुछ ही सालों में बढ़ाकर 100 मेगावाट तक ले जाने की तैयारी चल रही है। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि इस पावर प्लांट को इस तरह से तैयार किया गया है कि अगर यहां पर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी हवा चलती है, तो ये उसे बहुत ही आसानी से झेल लेगा। साथ ही अगर यहाँ पर 10 मीटर तक की पानी की लहरें उठती है तो उसे भी आसानी से झेल लेगा। और इस पावर प्लांट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर से लेकर इन्वर्टर हर एक चीज को पानी में इंस्टॉल किया गया है।